शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 27। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 27। दाऊद का पलिश्तियों के यहां शरण लेना और शाऊल और योनातान का मारा जाना। और दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा, यो मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुत्र आकिश के पास गया, और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकिश के पास रहने लगे। दाऊद तो अपनी दो स्त्रियों के साथ अर्थात इज़रेली अहिनोअम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबिगेल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी न ढूंढा। दाऊद ने आकिश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे जहां मैं रहूं, तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। तब आकिश ने उसे उसी दिन सिकलग बस्ती दी। इस कारण से सिकलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। पलिश्तियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए, और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गशुरियों, गिरजियों और अमालिकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक है। दाऊद ने उस देश को नाश किया और स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा, और भेड़ बकरी, गाय बैल, गधे, ऊंट और वस्त्र लेकर लौटा और आकिश के पास गया। आकिश ने पूछा, आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की? दाऊद ने कहा, हां, यहूदा, यरहमेलियो और केनियो की दक्षिण दिशा में। दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुंचाए। उसने सोचा था कि ऐसा न हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहे कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है। वरन जब से वह पलिश्तियों के देश में रहता है तब से उसका काम ऐसा ही है। तब आकिश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इस्राएली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा।